तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव कार नमः त्रियोग समारि कर। छड़ाला जी ग्रंथ है, 11वें नंबर के छंद पर क्रम ने चर्चा प्रारंभ की थी। तिल तिल करें देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तोपन एक न बूंद लहाए। तिल तिल करे देह के खंड, इसकी कल व्याख्या विस्तार से हुई थी। तिल तिल करे, जितना गुस्सा हमने परद्रव्यों पर दिखाया है, जितना गुस्सा दिखाया है वो नरक में जब जाते हैं तो उदय में आता है, और नारकी उतना गुस्सा फिर हम पे दिखाते हैं। उसका फल है तिल तिल करे देह के खंड। मैं समझ आई, आपने किसी से शत्रुतापूर्ण जितना व्यवहार किया, उसे जब मौका मिलता है तो उसे हजार गुनी ताकत से वो करता है। लोक में ऐसा देखा जाता है, ये उसका फल है नरक में। जैसे ही वो नारकी जी पहुंचता है, वहां पर जो नारकी है वो नारकी जी उसके शरीर के खंड खंड, और खंड भी कैसे, तिल तिल, कितने तिल तिल के बराबर, छोटे छोटे पीस। बोलो शब्द कैसे लिखे हैं, तिल तिल करें देह के खंड। और कल ये सारी चर्चा आई थी कि शरीर है सो मैं हूं, मैं हूं सो शरीर है, ऐसा अनुभवने वाला वो जीव अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण अनंत दुख को वहां पर भोगता है। देह के खंड होने के कारण नहीं, शरीर ही मैं हूं ऐसी अज्ञानता और भ्रांति के कारण, और वहीं पर जैसे ही वो दुख भोगे गए और वहां पर वो अवधि ज्ञान लगाता है जीव, ओहो मैं कौन हूं, यहां कहां से आ गया, कैसी वेदना वाली जगह है। तो ख्याल आता है कि मैं तो पहले विदिशा में मुमुक्षु था, मंदिर के बगल में ही मेरा घर था, वही दुकान थी, लेकिन मुझे आरंभ परिग्रह के अलावा दूसरा कुछ सूझता ही नहीं था, तो ऐसे विपरीत परिणाम से मैं यहाँ आ गया। लेकिन कभी कभी प्रोग्राम होते थे, आयोजन होते थे, प्रवचन होते थे, तो वहां सुना था मैंने छेड़ाला द्रव संग्रह द्रव गुण पर्याय का स्वरूप, तो उसे एकदम भान आता है, और भान आता है, और भान आने के बाद जो स्वरूप सुना था उस स्वरूप का स्मरण होता है, और वहीं सम्यक दर्शन ले लेता है वो जीव। जिसको कहा वेदना सम्यक्त, क्या कहा, वेदना सम्यक्त कहा, अर्थात उस वेदना के निमित्त से वो पुरानी बातें तत्वज्ञान की याद आई, और तत्वज्ञान जो यहां पर निर्णय पूर्वक अनुभव नहीं हुआ था अब वो वेदना के निमित्त से वहां हो गया, इसको वेदना सम्यक्त कह दिया। सम्यक्त में वेदना नहीं है, वेदना से सम्यक्त नहीं है, लेकिन उस वेदना के कारण उसका ज्ञान या वर्क किया और उसने भेद विज्ञान किया, ओह इन दुखों से बचने का उपाय तो तत्व ज्ञान ही है, भेद विज्ञान ही है। और जो तत्व ज्ञान की भेद विज्ञान की बात सुनी थी वो वहां पर वो स्मरण में आई और स्वरूप का अनुभव हुआ,
और अब जितनी आयु है अब वो तो नरक में हो रहे ना, अब वहां फिर तिल तिल खंड हो रहे हैं, लेकिन सम्यक यदि है उसे तो देह के खंड होने पर भी अपने खंड ना जानने मानने से अनंत दुख नहीं है। सुखरस घटा घटी, ये भजन सुनाया था, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटा घटी, चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। ये स्थिति वह बनती है, अवधि ज्ञान का स्वरूप है। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये है कि अवधि ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो अवधि ज्ञान में द्रव क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर वस्तु को जानते हैं, तो वो ज्ञान लगाते हैं, लगाते मतलब सहज ही ऐसा होता है और ओ अवधि ज्ञान लगता है तो मैं पहले वहां था, ऐसा बराबर उनको ख्याल में आता है। और जिसने तत्व ज्ञान सुना है, जिसकी योग्यता है, वो काम कर लेता है ऐसा। तो कुअवधि तो इसलिए नाम पड़ता है वो, कि वहां पे भेद विज्ञान सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए वो कुअवधि नाम पड़ता है। और सम्यक दर्शन हो गया तो वो ही ज्ञान सुविशेषण लग गया। पुत्र तो पुत्र है, बीड़ी सिगरेट पीने लगा, कुसंगत में हो गया, पढ़ता लिखता नहीं है, बात नहीं मानता, कुपुत्र है। और वो ही फिर किसी ने समझाया या स्वयं समझ गया, आया घर पे क्षमा मांगी, आज के बाद ऐसे काम नहीं करूंगा, कौन हो गया? सुपुत्र। पुत्र तो पुत्र है, कु और सु तो विशेषण है। बस ऐसे ही यहाँ पर सु अवधि ज्ञान, कु अवधि ज्ञान ये विशेषण है, बराबर ऐसा है। तिल तिल करें देह के खंड, ओहो तिल तिल करें, ये स्थिति बनती है नरक में। आगे असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड, और असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाते हैं। देव देव व्यंतर देव, असुर कुमार जाति जाती है उसमें, तो वो जो देव हैं वो तीसरे नरक तक, तीसरे तक जाते हैं, तीसरे नरक तक जाते हैं। और जैसे यहाँ पे भी अपने बहुत से होते हैं ना समाज में, नारद मुनि, नारद जी ऐसे, तो वो जाते हैं और वो कहते हैं सुनो ये वही सेठ जी हैं, ये वही सेठानी है, तुम जिनके यहाँ पहले बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, ये तुम्हारे वही बड़े भैया हैं जो तुम्हें दबाते थे, ये तुम्हारी बेई सास है, ये तुम्हारी बेई बहू है, तो आपस में ये वही पंडित जी है, तुम्हें बार बार कहते थे हाथ उठाओ आलू खाते कि नहीं खाते, ऐसे ही पूरा। तो वहां पे भी ये असुर कुमार जाति के देव उनको आपस में वो ज्ञान कराते हैं, ज्ञान कराते हैं बराबर। असुर भिड़ावें दुष्ट कर दो तुम तो आक्रमण, मिटा दो, क्या कहे। आज सब एक बात कही थी, विश्व शांति, समझ में आया। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा वस्तु का परिणाम देखा है वो तो होना ही है, उसे तो कोई करने रोकने वाला है नहीं है, लेकिन तुम अपने परिणामों को करके अनंत कर्मों के बंद करोगे। इसकी जिम्मेदारी दुनिया की नहीं है, उसकी तो तुम्हारी है, तुम्हारी है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो योग्यता है, समझ में आया। तो जो असुर कुमार जाति के देव है वे एक दूसरे को अत्यंत क्रूरता पूर्वक याद करा करा के
बातें बता बता के वो लड़ाते हैं। सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक ना भूंद लाए। अब उन नरकों में देखो कर्म पाप के बंधे हैं ना, पहले यहां पे पाप भाव से अब उदय में आते हैं, तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसा ले कि अनछने पानी का प्रयोग, अवक्ष वस्तुओं का जो सेवन, टूटी फूटी ये सब चीजें आती ना, आइसक्रीम, दुनिया भर की चीजें, तुमने जितना अनछने पानी का प्रयोग किया, नहाने में, गाड़ी करने में, गार्डन में, जो भी जो डाला है, अब जो उससे पूरे जिंदगी भर पाप कर्म बने हैं, अब वो उदय में आ रहे हैं, तो पानी की एक बूंद पीने के लिए नहीं मिलती। और प्यास कितनी है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, मतलब समुद्र भर पानी पी लो और प्यास न बुझे, प्यास तो इतनी है लेकिन पीने के लिए नरकों की स्थिति है। नरकों की, नरकों की क्या कहें, यही कई बार नहीं हो जाता, प्रसंग बनते हैं। पशु पक्षियों को तो अपन ने दुख पड़ी थे अभी तिरंज गति के, कितनी बार हो जाता है, और कोई जंगल में भटक जाए, रेगिस्तान में भटक जाए, कुछ हो जाए, यह स्थिति नहीं बनती। अरे भैया अभी डॉक्टर ऑपरेशन करना है, डॉक्टर को गर्मियों के दिन है, पानी नहीं पीना, होता कि नहीं होता, 10-10 घंटे 20-20 घंटे निकल जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, दूसरे मरीज है, आप पानी नहीं पीना आपको, पानी समझ आया, ये स्थिति बनती है, यही स्थिति बनती है। फल किसका है, ये फल किसका है कि पहले तुमने जो कर्म बांधे हैं, जो विराधना की है जीवों की, उसका फल है ये। दो घूट पियेंगे गिलास भर फेंकेंगे, आपके पास इतना विवेक नहीं है कितना चाहिए हमें पानी, बात समझ में आई, विवेक नहीं है, हम कितना पानी पीते हैं उतना ही लो आप। अब देखो घरों में कीमत नहीं है अभी, ये सब दुरुपयोग का दुष्परिणाम है, दुरुपयोग का दुष्परिणाम है। देखो एक बीच में बात याद आ रही है, गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी क्या करते थे बोलो, पत्र आते थे उनके पास, कुछ भी आता था आल पिन निकाल ली, वो पत्र आए जो बीच का उस बाहर का जो कुछ भी काम में लेने लायक उसी पे कच्चा चीज है लिखना है, कुछ भी काम ले रहे हैं, ऐसा है। सावधानी, चाणक्य जैन मुनि बने जिनने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल ये सब मिलाकर एक भारत था पहले, आज से 2200 साल पहले, 300 साल पहले, चाणक्य जिन्होंने नंदवंश को समूल नाश करवाया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उनको अखंड शासन दिलवाया पूरे भारत का, ये पूरा भारत वर्ष जो कहलाता था पहले, तो वो समूल प्रधान थे और उनने वो चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठा ला। उनके जीवन की कई घटनाएं आती हैं, एक घटना ऐसी आती है कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए पहुंचा, ऐसी कुटिया में रहते थे साला जीवन बिल्कुल, और थे कौन, आजकल की भाषा में कहे तो पूरे भारत को चलाने वाले, रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, और चाणक्य की राजनीति, चाणक्य की नीतियां वो आज तो आज भी पूरी की पूरी पूरे विश्व में मान्य है, वो विद्वान थे। बाद में तो दोनों जैन मुनि बने और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य
और ये उनने तो अंतरिम भद्रबाहु स्वामी की समाधि कराई श्रवण बेल गोला पे, जो पूरा पूरा इतिहास लिखा है पत्थरों पे, खुदा है। तीर्थ यात्रा करने जाओ तो हमारे साथ जाओ कभी, या हमें ले जाओ तो पता तो चले ये क्या तीर्थ है। तुम तो लाडू भाई को ले गए, बर्फी उनको ले गए, मतलब जो भी है घूम घाम के ताश खेल के खा पी के बिलनिया खरीद के आ गए, बस खत्म काम। क्या करो और समझ आया? तो किस क्षेत्र पे जा रहे हैं, क्या इतिहास है, कहाँ कौन से महापुरुषों ने वहां पर साधना की, ये सारी चीजें पता तो हो अपने को वहां पे। फिर जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य तो भक्ति पूजा स्वाध्याय चर्चाएं अवसर में लाए ना वो, क्योंकि जब किसी की शादी में गए, पार्टी में गए, तीन में गए, तेरह में गए, तब तो ये अवसर ही नहीं है। कम से कम तीर्थ यात्रा का तो एक धार्मिक आयोजन है विशुद्ध, तो वहां तो कम से कम तो ये चीजें होनी चाहिए। तो वो चाणक्य बैठे है कुटिया में, रात्रि का समय है, दीपक जल रहा है, एक व्यक्ति आया, कहा बैठी है, जरूरी काम था, काम करते रहे। फिर उन्होंने वो काम बंद किया, दीपक को बुझाया, दूसरा दीपक जलाया। हाँ अब बोलिए साहब। तो बोले पहले तो ये बता कि ये आपने पागलपन क्यों किया, क्योंकि सारे बड़े समझदारों को समझदार, ये आपने क्यों किया पागलपन, एक दीपक को बुझाया और दूसरे को ये जलने देते। बोले सुनो, ये अभी राज्य का कार्य चल रहा था, इसमें राज्य का तेल जल रहा था, और अब ये ऐसा सदुपयोग से सुख, ऐसे ही जल का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, छान के पानी का उपयोग नहीं किया। एक गिलास पानी पीने का तो छाना, लेकिन 10 बाल्टी फैलाने का लगा दो छन्ना, लगा है सूख गया, जीवानी का कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। अपन समझाए भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो, सुनने ही तैयार नहीं है, सब व्यवस्था है, सुनने ही तैयार नहीं है। यो कर्म बने हैं, जो कर्म बने हैं, इसका फल है सिंधु नीर ते प्यास न जाए। ऐसा कर्म बना है, अब सागरों की आयु, समुद्र के समुद्र पानी 1 सेकंड में पी जाए और प्यास ना मिटे, ऐसी प्यास है, लेकिन तो पण एक ना बूंद लाए, एक बूंद पानी पीने की नहीं मिलती। ये भूतकाल है, भूतकाल, और यदि आरंभ परिग्रह में ही समय गया तो भविष्य काल है, भविष्य काल है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ये, तो इनने बहुत कम लिखा है, जो बड़े ग्रंथ है ना, मूल ग्रंथ है, उनमें तो इतना वर्णन है, इतना वर्णन आत्मा कांप जाए। मूल बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतना लिखा है आचार्यों ने। अन्वयार्थ, इन नरकों में नार की जीव, ग्रंथ देखो, ग्रंथ देखो, इन नरकों में नार की जीव एक दूसरे के शरीर के तिली के दाने के बराबर टुकड़े कर डालते हैं, और अत्यंत क्रूर असुर कुमार जाति के देव एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं। तुमने पूरी पहले समाज को लड़ाया, घरों को लड़ाया, परिवारों को लड़ाया, देशों को लड़ाया, अब देखो ये एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं, तथा इतनी प्यास लगती है कि सारे समुद्र का पानी पीने से भी शांत ना हो,
लेकिन पानी की एक बूंद भी उन्हें नहीं मिलती। अज्ञानता में, परवस्था में इस तरह के अनंत दुख ये जीव संसार अवस्था में भोगता है। कल या परसों, कल सुबह एक वाक्य बोला था, किलेन्द्र बंदर में लक्ष्य का भोग होता है। किसका भोग होता है? लक्ष्य का। संयोग का शरीर का दुख नहीं है, कर्म के उदय का भी दुख नहीं है, वो ज्ञान उसका लक्ष्य करता है। मैं शरीर हूं, मैं ही नारकी हूं, मुझे मारा जा रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरे खंड खंड हो गए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी नहीं मिल रहा पीने। ये जो ज्ञान में किसका लक्ष्य है, देखो 32 नंबर का श्लोक है, पूर्व रंग अधिकार पहले अधिकार का अंतिम समय सार जी में 32 नंबर का श्लोक। ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, कौन हूं मैं? अब यहां खड़ा करो इसको, अध्यात्म, क्योंकि आगम आगम के लिए नहीं है, आगम अध्यात्म के लिए है। व्यवहार के कथन से क्या निकालना है? निश्चय निकालना है, तब तो वो पढ़ाई पूरी 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 बनेगी। वो तो हूं तो ज्ञान समुद्र, आत्मा कैसा है? ज्ञान समुद्र। यदि सुख शक्ति की अपेक्षा से कहे तो सुख की मूर्ति, विभाव से रहित होकर कहे तो अविकारता की मूर्ति, वितरागता की मूर्ति। वितरागता प्रकट नहीं है अभी, गुण की तरफ से कहे तो आत्मा ऐसा ज्ञानानंद स्वरूप है, लेकिन ऐसा लक्ष्य ना होने से, लक्ष्य किसका है? शरीर का। लक्ष्य किसका है? ये दुकान घर गृहस्थी, ये मेरा जीवन है, और उसमें कम तो रुदन शोक, उसकी बढ़वारी तो हर्ष। ये जो राग द्वेष अनंतानुबंधी, इससे प्रति समय अनंत कर्म बन रहे हैं। आप सोच रहे हो हम तो सो रहे हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ज्यादा हम राग नहीं है, ज्यादा मोह नहीं है, थोड़ा सा घर है, थोड़ा सा व्यापार है, थोड़ा सा भैया अपने क्या है, थोड़ा बोला कुछ नहीं, तुम्हें तत्निर्णय नहीं है, तो अनंतानुबंधी जाति के राग द्वेष है वो, या जाति से बात चलती है? क्या कहा? भेद विज्ञान के अभाव में किससे बात चलती है? जाति से। कितने कर्म बन रहे हैं? अनंत कर्म। कब बन रहे हैं? जिस समय बदल उनका उदय आता है। देखो चरणानी की पद्धति में ये बात आती है ना, भैया घर में मत मरो, परिग्रह में मत मरो। और ये जो ये लोग भी कहते हैं ना, कोई संलग्न समाधि का प्रसंग बनता है तो भैया दीक्षा दिला दो, कपड़े उतार दो, तो वो क्यों कहने में आता है? क्योंकि उस प्रसंग में वो जीव मरता है, मरता है तो उसकी खोटी गति होती है। अब ये विवक्षा है इसकी भी, और यदि वेद विज्ञान हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उससे कोई कर्म बंध का संबंध विशेष नहीं है, कसा शक्ति अनंतानुबंधी मिट गई, तो वो कोई नियम नहीं है। लेकिन वो इस चरणानियों की पद्धति में कहने में आता है, क्योंकि जीव है अज्ञानी, और उनको देख देख के मैंने घर बनाया था, कितने साल की मेहनत से बनाया था, अब ये छूट रहा है, ये मेरी पत्नी बच्चे छूट रहे हैं, अभी मैंने इतनी बड़ी बड़ी चीजें इकट्ठी की, एफडियां, प्लॉट और ये सब छूट जाएगा, तो उनका लक्ष्य करके निरंतर। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक त्याग कराने की भी परिपाटी है। यहाँ तो अभी उसको उसको कहते हैं यहाँ क्या कहना है, यहाँ तो उसका लक्ष्य छुड़ाया जाता है ना, ये घर अपना नहीं है भैया, मैं एकाकी एकत्व लिए, तो वो सब समझाया जाता है। क्योंकि जो छोड़ेगा वो कौन छोड़ेगा, कि जिसकी इतनी कसाई भी मंद होगी, नहीं तो कैसे छोड़ेगा वो। हम आपसे कहें भैया आपका अंतिम समय चल रहा है, दवाई का त्याग का नियम ले लो, हॉस्पिटल जाने का त्याग का नियम ले लो,
त्याग हॉस्पिटल जाने का नहीं भैया, परिणाम ही नहीं होते ऐसा। अपनी क्या चर्चा चल रही थी? लक्ष्य का भोग होता है। तो जब ज्ञान समुद्र आत्मा का लक्ष्य ही नहीं है तो भोग उसका नहीं है। कसाय की जाति कौन सी चल रही है? अनंतानुबंधी जाति, ये कहना था। अनंतानुबंधी जाति, अनंत कर्म मुद्रा है। और जो लापरवाही का परिणाम है फिर उन संयोगों में, उन चीजों में, तो ऐसा कर्म बनता है कि सिंधु नीर से प्यास न जाए। तीन लोग को अभी आगे आएगा उसमें। अच्छा सुनो, अन्य को पानी का कह रहे हैं, भोजन का कह रहे हैं, ऐसा आप सब चीजों में लगाओ। क्या कहा? क्योंकि ऊपर के नरकों में गर्मी है ना, और नीचे के नरकों में सर्दी है। तो जो गर्मी 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 है, तो गर्मी में उस तरह की चीज चाहिए तो वो डिमांड होती है, और सर्दी वाले दिनों में उस तरह की चीज चाहिए उनकी डिमांड होती है। वो प्यास तो कॉमन है ही। तो ये जीवों को सारे संयोग चाहिए, चाहिए सब संयोग, मात्रा बहुत बड़ी, और वहां पे कितने मिल रहे हैं? है ही नहीं है। ऐसा है, समझ में आया? जैसे हवा चल रही है बहुत बर्फीली, पानी गिर रहा है, घर ही नहीं है, लेकिन घर है, कच्चा घर है, बिल्कुल टूटा है, गरीबी की स्थिति में पन्नी लगी है, कोई फट गई तो कैसी स्थिति बनती है? फिर और ऐसे घर की स्थिति बढ़ाते जाओ तो ये सब पुण्य की वजह में मिली बराबर। अब नरक में कौन सी स्थिति बन रही है? हाँ, तो कोई न घर, न कपड़े, न हीटर, न लकड़ी, आग जला लो थोड़ी सी ताप लो, न कागज, क्या है बताओ? या तो छाया में जाओ, पंखे में जाओ, कूलर में जाओ, एसी में जाओ, पूरा घर ही एयर कंडीशन करवा लो, सारी व्यवस्था है, लेकिन नरकों में कुछ नहीं है। वही गलत ध्यान लगाओ कि तुमने पहले उन साधनों की विराधना, मतलब दुरुपयोग किया साधनों का, और तुमने संयम की विराधना की है, वो ऐसा कर्म मना उदय में आता है। बाबा उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। देखो ये सब कौन है वो नारकी है? कल कहा था कि जो जिसने तलवार बन के तिल के टुकड़े टुकड़े किए तो वो नारकी तलवार बने और तुम पे ऐसे कूदे, जब तक वो जैसे बर्फी बर्फी बनाते हैं ऐसे नारकी खुद आरा बन के ऐसे ऐसे ये सब विक्रिया से करते हैं। पृथक विक्रिया, पृथक विक्रिया, सब तरह की विक्रिया होती है नार की पूरा, और कुछ नहीं है वहां पे, ऐसे करते हैं। एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे वो दूसरी गली का कुत्ता दूसरी गली में आ जाए तो वो कुत्ते अब बैठ नहीं सकते, ऐसा है। देखो ये परिणाम हमें पता नहीं चलते। एक साधन में दूसरे साधन में को देख नहीं सकता, जैसे वो पूजा करने आया, स्वाध्याय में आया, अरे वो भले ही पुण्य का उदय है उसका या जो कुछ भी है, तुम्हारे ऐसी ताकत नहीं है कि तुम बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर में तो आ गए। एक चौके में देवरानी जेठानी, सास बहू, ननद भौजाई, बोलो अब है चौका तो वही है, घर तो वही है, लेकिन सुहाए नहीं। ये कर्म बंध के कारण है, ये जो ये तो फल आ रहा है, ये रिजल्ट है, ये तो होता है। फिर वो तुम्हें बहुत शौक था ना लड़ने का, परिणाम थे निरंतर 24 घंटे 8 करोड़ ध्यान के,
अब जाओ, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला तुम भी झांसी की रानी और वे भी कोई सी रानी, ऐसा है। आपस में क्या करते हैं, कम से कम कितने साल आई हुई नरक की, 10,000 साल। कितनी, 10,000 साल। बोलो अपन 2 मिनट लड़े, आ जाओ जरा बाहर, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, तो 2 मिनट में ही देखने वालों को सहन नहीं होगी, अपनी बात छोड़ दो। सुनील भाई साहब अपनी तो दोनों की छोड़ दो, जितने हैं ये इन्हें सहन नहीं होगी। कैसा लगता है वो, कैसा वहां पे तो कम से कम 10,000 साल बिच्छू सहन से डसे नहीं, बाकी मिट्टी, बाकी पानी, बाकी हवा, जो कुछ भी जो वातावरण सब बैतरणी नदी सेमर के वो पत्ते, पूरी वातावरण पूरी चीज है, और बाकी जो कसर रही तो अब एक दूसरे से नहीं, पहले तो खुद भिड़ रहे हैं ये तिल तिल करे खुद, और अब कसर रह गई थोड़ा वो बैठ भी जाए, ये तू बैठ रहा है इससे तुझे कितना मारा था, फिर वो उठा यसुर कुमार के देव है, व्यक्ति शरीर तो पुद्गल ही है ना, पुद्गल है पांच शरीर सारे पुद्गल है, वर्णा है पुद्गल है सारी 22 प्रकार की सब है वहां पे, वचन वर्णा है, भाषा वर्णा है, मन वर्णा है, ये औदारिक वर्णा, ये आर वर्णा से बना शरीर है, व्यक्ति शरीर बनता है, वर्णा है पुद्गल स्कंद सारे। तीन लोक में पूरे में पुद्गल है, शरीर के बिना थोड़ी है कोई, वहां पर कारमण शरीर, वैक्रक शरीर और तेजस शरीर तीनों सदा काल। यहाँ पर अपना ये औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कारमण शरीर है, जैसे अपना ये शरीर है स्थूल वैसा मलमूत्र मास वाला, वहां पे ऐसा शरीर नहीं है, वैक्रियक शरीर है। कैसा, कि जैसे तुमने रेत का लड्डू बनाया और बिखर गया, पर ऐसे ही वो विक्रिया, देवों के शरीर वैक्रियक होते हैं, इस तरह की क्वालिटी होती है। देवो नार के शरीर की शरीरों में खून हड्डी मांस मज्जा नहीं होते, समझ आया, दिखता है, दिखता है देवों के भी जो शरीर है उसमें वो शरीर भी दिखते हैं, यदि वो स्थूल करें जैसे करें सब अलग अलग है। एक सच्ची घटना बता रहे हैं, हाँ, अब वो उसकी उसकी भी व्यवस्था है सारी, शरीर के इतने परमाणु मतलब जो है सूक्ष्म है वो, कि आपको नहीं दिखे, और यदि वो दिखाना चाहे स्थूल कर ले तो दिख भी जाए। हम वही घटना बता रहे थे, एक सच्ची घटना हमारे साथ घटी, गांव का नाम क्या बताएं, हम थे, एक प्रसंग था, कोई जीव बीमार था, तो सब चर्चा चल रही बैठे, तो बात चल रही कि भैया इस पे बहुत व्यंतरों का प्रकोप है ऐसा वैसा, तो हमने कहा ए कौन सी व्यंतर फंतर, हमने बहुत सब वही में चर्चा की, तो वो जो जीव था जो, तो वो बोला कि भैया से बोल दो कुछ मत बोले, वो सामने तीन खड़े हैं, उसे दिख रहे हैं तीन खड़े हैं सामने, तो हमने कहा जब हमारा साता का उदय है तो वे कुछ नहीं कर सकते, और हम उनसे थोड़ी कुछ कह रहे हैं, हम तो तुमसे कह रहे हैं कि तुम अब गिरित मिथ्यात का पाप मत करो, जो उदय है कर्म का तुम्हारा उदय है, यदि कोई आपको मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो उसका ही नहीं है, वो तुम्हारा उदय है। क्या कहा,
बात समझ में आ रही है? ऐसा तो वो दिखते हैं। और जो पंच कल्याणक में देव आते हैं, चारों निकाय के देव आते हैं, देवी आते हैं, समुपसरण में होते हैं, वह कायदा दिखते हैं। आठ कोटे तो 12 में से 8 स्टैंड तो उनके लिए रिजर्व है, वो सब दिखते हैं, आते जाते मौसम मनाते हैं, पूरे पूजा करते हैं। जो असली पंच कल्याणक होते हैं वो पूरा देवों का ही काम है। गर्भ में बच्चा आए वो तिरबाल तीर्थंकर का जीव, उसके आने के कितने महीने पहले से? गर्भ में आने के 6 महीने पहले से उनका काम चालू हो जाता है। वो माता की सेवा करने वो अष्टकुमारी आती हैं, वो देवियां आती हैं, वो दीपों पे रहती हैं सारी श्री देवी, और कौन कौन सी उनके महल बने हैं, उनके नाम है सब रुचक वरदीप से पूरे 9, 10, 11, 12 है आगे की जो दीप है वहां से आती हैं वो देवी यहाँ पूरी, वो माता की सेवा करती हैं, चर्चा करती हैं, दिखती हैं साक्षात रुचक वरदीप से आती है 11वें 13वें जो भी है नाम देख लो पूरे दिखते हैं। और जब असली पंच का लड़क होते हैं तो पूरे देव आते दिखते हैं पूरे। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव हुआ कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सुबह सुबह 4, 4:30 बजे। वो अक्टूबर का महीना आता है, अक्टूबर नवंबर दिवाली आती है ना, तो अंधेरा रहता है पूरा समय तो एकदम। तो देखा तो अनगिनत देव और देवियां आ रहे हैं। वो तो पूरा आकाश कैसा हो गया, कैसा हो गया, उनकी जो मणि है, मुकुट है, हार है, उनसे एकदम। कल शाम को यदि आपने देखा हो तो वो राजस्थान में कल अपनी वायुसेना पूरा अभ्यास कर रही थी, ओरिजिनल अभ्यास। तो वो फाइटर प्लेन से ऐसी ऐसी लाइट निकल रही, चीजें छोड़ रहे वो ऐसे पूरे आकाश में, और एक एक उनका लक्ष्य था, ओरिजिनल अभ्यास कर रहे थे वो नेचुरली। वो उनने ऐसा बम डाला ऊपर से, वहां पे वो लिखा था 5 नंबर, और वो बिल्डिंग बनाई उनने, वहां पे चीजें बनाई, और बिल्कुल भई गिरा और पूरा तबाह, पूरा साक्षात दिखा रहे देखकर। ऐसी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग उड़ गई, गाड़ियां जा रही हैं, दूर से ही वो फाइटर ने ऐसी फेंकी एक चीज बिल्कुल, और निशाने पे एकदम एक्यूरेट ऐसे पूरे। कल पूरा ओरिजिनल अभ्यास चल रहा था, तो वो पूरी लाइटें चमक रही हैं, चीजें चमक रही हैं। ऐसे ही जब देव आते हैं तो उनकी पूरी मणि, शरीर, कांति उसकी चमकती है, सब दिखता है, ये बताना है। सूक्ष्म होता है लेकिन उसमें भी सब तरह की विशेषताएं होती हैं। यदि वो देखना चाहे तो प्रकट हो जाए। यहाँ पे कई व्यंतर हो सकते हैं, अभी पुराने मंदिर के लोग, मंदिर के भक्त लोग, यही मंदिर हमारा, यही वेदी हमारी है, यही कार्यक्रम होना चाहिए। अरे जैसे इतने सारे लोग हैं, उड़ीसा में कितने लोग हैं, 2 लाख की जनसंख्या है मान लो, तो सब आप परेशान कर रहे हैं, तो जैसे ये है वैसे ही वे हैं, कोई अलग से थोड़ी है। समझ में आया? और वो उनके मानने पूजने वे थोड़ी कछु है, लगभग वे, वो तो ये जो कौतूहल वाली चीजें बनती हैं, जो अन्य जाति के जीव मर के व्यंतर आदि बन गए और फिर वो उन्हें कौतूहल हो, तो ऐसी घटना है, होती है दुनिया में, उससे कोई बात की बात नहीं है। अपनी बात क्या चल रही थी, जो असुर कुमार जाति के देव हैं, जिन जो कलह प्रिय होते हैं, जो लड़ाई प्रिय होते हैं, जिन्हें लड़ाई देखने में मजा आता है, जैसे ये मुर्गा लड़ाते हैं, बकरी लड़ाते हैं ना मेले लग चीजें, बैल लड़ाते हैं, ऐसे लड़ो 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 लड़ो। अब ऐसे ऐसे जीव जो लड़ा रहे हैं वे नारकी बन गए। अब वो व्यंतर है, अब वो कौतूहल वाले हैं, अब उन्हें ऐसे जीवों को वो निमित्त बनते हैं, निमित्त। और इनकी भी कौतूहल बुद्धि है, कोई मन का साज ऐसे बन गए,
जेल एजेंट सब बन सकते हैं, बराबर। तो ये बन गए, अब उन्हें भी कला प्रिय है पहले से, बस वो जाते हैं जंतर, बराबर। स्थिति बनती है। बाबा पढ़ रहे हैं, उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाता है। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि असुर कुमार जाति के देव, देखो नाम है सब ये, तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करके परस्पर पूर्व का बैर बतलाकर, जो तुम सामान लेते थे इनसे दुकान से, इनकी दुकान से साधु तुमने लिया, चलो नकली सामान देते थे, ज्यादा कीमत में देते थे, तुमसे झूठ बोलते थे, अच्छा ये वे ही है, फैक्ट है ये, परस्पर ग्रह हो मारपीटा नाम ऐसा होता है, समझ में आया, ऐसा होता है। अवधि ज्ञान का दुरुपयोग करके परस्पर पूर्व का बैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल से, देखो उन्हें क्रूरता और कुतूहल है, मजा आएगा, लड़ो लड़ो, ये वीडियो गेम खेलते हैं अपने बच्चे और ये सारे वो फिल्में देखते हैं लड़ाई की, मार और मार, मजा आ गया। और जैन है फिर ब्रह्मंड कसाय के परिणाम दया व्रत उपवास थोड़े थोड़े प्रसंग अनुसार, और मर के बन गए भी असुर कुमार जाति के देव। लेकिन मजा किसमें आया था पहले, संस्कार क्या है, कोई समाजों में भी कई होते हैं चाणक और कौन कौन से ऐसे शकुनी मामा, नारद मुनि, मंथरा और कौन कौन है, ये मोक्षु समाज में भी कछु ढूंढे से मिल जाएंगे, दादाजी हमें बुला लेना आप तो, आपके घर पे हो तो क्या कहना है कि उनके माध्यम से जीव निरंतर क्या करता है, वैसे कर्म बांधता है, ये कहना है। बस योग्यता होती है तो कोई वो नारकी बन जाता है, कोई असुर कुमार बन जाता है, फिर वे चलते रहते, कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। सुनो अब ये आनंदित होता हो रहा है ना, अब इनका नंबर है, इनका क्या नंबर है, देव मर के कभी नारकी तो बनते नहीं है, देव बनते नहीं है, तो या तो एकेंद्री बनेंगे बराबर, और या फिर मनुष्य बनेंगे। तो जो ये जो बनेंगे तो ऐसी वो तीव्र कसाय से ऐसे जीव बनेंगे, फिर वे सताए जाएंगे, समझ आई, दूसरों को सताना क्या है, ये अपनी परेशानी को मोल लेना है। भावनाएं हर समय उदार रखना चाहिए, भावना ये नोट कर लो बिल्कुल, आप परिवार हो, अपना घर हो, छोटे भाई बहन हो, देवरानी जेठानी हो, पड़ोसी हो, साधर्मी हो, भावनाएं उदार होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कर्म बनेगा भोगना किसे पड़ेगा। और जब तक ये अपन शांति पूर्वक विचार नहीं करेंगे इनके लाभ हानि का, तो परिणाम बदलते भी नहीं, विचार करना पड़ेगा किसका घाटा है, उनका घाटा नहीं है, उनके परिणाम को वो भोगेंगे, तुम नहीं भोगोगे, स्वयं की ये जो कर्म सुभाषे, तुम दूसरे का नहीं भोगोगे, दूसरा तुम्हारा नहीं भोगेगा, पत्नी बच्चे भी उनका भोगेंगे, तुम उनका नहीं भोगोगे, और तुम जैसे परिणाम करोगे तुम भोगोगे, उनका नहीं भोगोगे, समझ में आया कहने का मतलब।
हमारे पति तो साहब ऐसे हैं और हम तो उनके ही साथ देंगे, तो उसके साथ में फिर फल तुम भी भोगोगे। अंधानुकरण की व्यवस्था नहीं है कहीं पे भी। प्रत्येक जीव अपना विधाता स्वयं है, अपना ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं है, दूसरा नहीं है कोई। समझ आया? देखो वो स्वयं आनंदित होते हैं, ये बात चल रही थी, आनंदित होते हैं, लेकिन उस आनंद से क्या होता है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कर्म बनते हैं, क्योंकि तो हिंसा में लड़ाने में कसाय में आनंद मान रहे रौद्र ध्यान। उन नारकी जीवों को इतनी तीव्र प्यास लगती है कि यदि प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण महासागर का जल भी पी जाए। होती है जीवों को समद्वत आचार को अभी पंचम काल में ही भस्म व्याधि रोग हो गया था 2000 साल पहले, इन्हें रत्नगण साहब का चार जी ग्रंथ लिखा, और भी ग्रंथ लिखे आन आचार थे, कुंदकुल आचार से भी ज्यादा महिमा जो साहित्य ने दिया, और जो जिसकी प्रभावना की जैन धर्म की गांव गांव जाकर एक अद्भुत रीति से वो थी किसी ने की। समझ में आया? तो ये आचार्य जो थे उन्हें भस्मक रोग हो गया, कितने ही खाएं भूख ना मिटे, मुनिराजों की तो होती तो उन्होंने कहा साफ संलेख रहे हमें, तो आचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारे निमित्त से भी प्रभावना बहुत होना है पूरे हिंदुस्तान में जैन धर्म की, तुमने कहा आप दीक्षा छेदो और जैसे भी हो इस पहले रोग का बस। तो सबसे प्रसिद्ध मंदिर था बनारस का, क्या कहा, सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा मंदिर था, वो शिव जी का है, और उसमें पूरे बनारस आसपास का चढ़ावा आता था, प्रसाद भोजन भोग चढ़ाना शिव जी को, तो पहुंच गए वहां पे, उन्होंने कहा सुनो हम तुम्हारे शिव जी की पिंडी को पूरा भोजन करा सकते हैं, भक्त क्या चाहे, हम जो चढ़ाए और भगवान पूरा खाया, बस उन्होंने कहा शर्त है लेकिन एक, दरवाजा बंद करके खिलाएंगे, कोई के सामने नहीं खिलाएंगे, तो बस चढ़ा बजे तक आए 10-11-12 बजे तक, बस अंदर चढ़वाया उनने पूरा भर गया, फिर दरवाजे लगाए और फिर खुद झाड़ झूड़ के। समझ में आया? और जितने भी टाइम रहे हो फिर वो और रोग फिर योग्यता से दूर हो गया, अब वो भोजन अब बचने लगा, तो पुजारी पंडे वंडे उनकी सब दुकानदारी बंद हो गई थी, तो वो तो पैसे ही परेशान थे, नजर रखे थे सब, क्योंकि यार ये बच रहा है ये के चक्कर है क्या हो रहा है, ये देखा अरे ये तो खुद ही खा रहे है, ये बच गया, शिकायत की, राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने कहा पूछा, राजा भी विवेकी होते, क्या बात है कौन हो तुम, नमस्कार करो शिव जी की पिंडी को, तो उन्होंने कहा सुनो हम नमस्कार तो कर लेंगे लेकिन इनसे पूछ लो पहले जी हमारे नमस्कार ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, नमस्कार करो, नमस्कार क्या, उनने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है, गजब के न्याय सिद्धांत बनी है, चार भाव वगैरह सब वहीं से निकले हैं, अनेक अंशादवा स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत में 24 तीर्थंकर स्तुति उनने बोलना चालू किया बैठ के, और 8वें चंद्र पर भगवान की स्तुति जैसे हुई वो पिंडी फटी और वहां से चंद्र पर भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई,
व्यंतरों का है वो भी सब, जो जैन व्यंतर थे वो सब युगता है चीजें, उनके पास विद्याएं होती हैं, मंत्र शक्ति होती है। कुंदकुंदाचार्य के पास थी, याद है कुंदकुंदाचार्य की कुछ, गिरनार के पर्वत पर श्वेतांबर दिगंबरों में वाद विवाद हुआ, कुंदकुंदाचार्य वहां थे, जीत गए वो। तो उन्होंने कहा ये तो पाखंडी है, कहले क्यों, अरे ये तो सब भ्रष्ट है, कैसे, बोले इनके कमंडर में देखो क्या भरा है, ये तो मांसाहारी मछली खाते हैं। तो कुंदकुंदाचार्य समझ गए क्या चक्कर है, इनने अपने मंत्रों से मछलियां कर दी कमंडल में। उनने भी कुंदकुंदाचार्य ने ये मंत्र पढ़ा तो उसमें से फूल झरे जैसे, उनने निकाल लो मछली है, क्योंकि उनने तो मछली कर दी थी अपनी भी मंत्र शक्ति से, उनने क्या कर दिया फूल, विक्रिया से तो बनाना है, वैसे फूल थोड़ी तरसी वाले, और उठ खोलो कमंडल उल्टा करो, कमंडल खोलो उल्टा किया तो क्या झर रहे हैं, इस श्वेतांबरों को हराकर दिगंबर धर्म सत्या है सच्चा है। वहां पे एक देवी थी वहां के उस पर्वत पे, उनने बुलवा दिया देवी से, वो देवी बोली व्यंतर दिगंबर जैन धर्म ही सच्चा है, ऐसी उनने कुंदकुंदाचार्य ने बात समझ में आ रही है कुछ, बोलो कितनी बातें सुनने को मिलती है, नहीं नहीं वेद विज्ञान की प्रथमानियों की सीखने की। भैया दुकान घर गृहस्थी तो बहुत हो गई, काम भोग बंधन भी बहुत हो गए, दोनों टाइम स्वाध्याय के लिए तो समय निकालो, समझ में आया क्या बात चल रही थी, कि ऐसी भूख प्यास की वेदना तो अभी हो जाती है असाधक के उदय में, वेदनी कर्म के उदय में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नारगियों को इतनी भूख और प्यास लगती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सब संभव है बराबर। उन नारकी जीवों को इतनी तीव्र प्यास लगती है कि यदि प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण महासागर का जल भी पी जाए, फिर भी तृषा शांत ना हो, किंतु खेद है उन्हें पीने के लिए जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती। जल का संग्रह करो, वाटर हार्वेस्टिंग करो, छत का पानी पूरा नीचे चला जाए जमीन में, आपको ही फायदा है, धरती को फायदा है, पानी व्यर्थ न बहे, फालतू ज्यादा मोटर न लगाना पड़े, बाहर से न खींचना पड़े, बाहर से न लाना पड़े, चीजें व्यवस्था है। मुंबई जैसे शहर में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना, तो नीचे टैंक बना देते हैं पूरी बिल्डिंग के साइज का नीचे, और पूरे बरसात का पानी उसमें इकट्ठा करके रखते हैं, वो पानी पीते हैं साल भर, साल भर। बरसात के पानी में एक विशेषता होती है, वो सड़ता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, पता है आपको। एक योग्यता ऐसा साफ होता है, ऐसा क्वालिटी वाला, उसको सही ढंग से रखा जाए तो बाहर की कोई चीजों का संपर्क ना हो तो खराब नहीं होता, एकदम शुद्ध होता। समझ आया, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, मतलब हर काम में जल के बिना कुछ है होता नहीं है। अच्छा ऐसा करना, कल भोजन, कल वैसे चतुर्दशी है, सब में ज्ञान के दिन है, दस लक्षण चल रहे हैं, ठीक है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो कल ऐसा करना कि रसोई तो बनाना लेकिन सिर्फ अकेले पानी का त्याग कर देना, पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। अरे भैया तुम तो कच्चा खाओगे, कुछ भी करोगे तो हाथ तो धोने ही पड़ेंगे, उस सामग्री तो, इसलिए कहा जली जीवन है, कितना कीमती है। सुनो, जैसे लोक में जल जीवन है, ऐसे ही वास्तव में ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान कीमती है। जल का प्रयोग घी की तरह करो,
और ज्ञान का प्रयोग चिंतामणि रत्न की तरह करो। पानी का प्रयोग कैसे करें? घी, एक बूंद फैले घी तो क्या करते हैं, कछु नहीं तो। क्या करते हैं बोलो, पूछ लो। ऐसा तो घी का जैसे उपयोग करते हैं कीमती समझकर, ऐसे ही पानी का उपयोग करो। और अंदर में भेद विज्ञान रूपी जल का सेवन करो, ज्ञान रस का पान करो। क्या होगा, क्या होगा? प्यास लगेगी लेकिन पानी 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 का दुख नहीं होगा। बात समझ आई? और ऐसे मत करना जैसे सेठ जी सामायिक कर रहे थे, वे पानी पानी पानी, और पानी में ही जाके मेंढक बन गए। भेद विज्ञान चाहिए बराबर। तो इस नरक में जो ये प्यास आदि की जो पीड़ाएं हमने और आपने अनादिकाल से अनंत बार सही है बराबर, अज्ञानता से लक्ष्य पूर्वक, अब ये समय है कि इन सब चीजों को मिटाया जाए। समय है बराबर, और चला गया तो चला गया। तो हम सब इन नरकों के जो दुख चल रहे हैं इनको जानकर अपनी परिणति को भेद विज्ञानमय करें, जिससे कि अनंत काल में ये सारी चीजें कभी मिले ही ना, दुख इन संबंधी हो ही ना। कितना ऊंचा लक्ष्य बना के काम करोगे तो काम होगा, और नहीं तो काम नहीं होगा। आज सुबह बोली थी कि कल बोली थी सुबह प्रयोजन में, या औपचारिकता ये अच्छी चीज नहीं है। विधान रख लो, एक प्रयोजन रख लें, आगे 25-50 लोग सुन के चले गए, औपचारिकता नहीं, ठोस काम होना चाहिए। बोलो आज नरेंद्र मोदी से देश क्या अपेक्षा रख रहा है भैया, औपचारिकता मत करना। लोक में यही तो अपेक्षा रखते हैं, ठोस काम होना चाहिए कोई। तो ऐसे यहाँ जनवाणी में कह रही है भैया आपसे ठोस तत्व ज्ञान चाहिए, औपचारिकताओं से काम नहीं चलेगा। हम तो जानते हैं आत्मा है, छद्म के नाम सुन लो, परिभाषा सुन लो, भेद विज्ञान चाहिए उसमें पूरा, नहीं तो मुनि व्रत धार अनंत बार क्या नहीं पढ़ा सुना सब। तो हम सब इन बातों को समझकर चारों अनियों के यथायोग सुमेल पूर्वक भेद विज्ञान करते हुए अतिंद्रिय आनंद का रसपान करें, और बहु आरंभ परिग्रह का भाव छूटेगा, नरकारी में जाने का भाव छूटेगा, और अल्पकाल में सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी। निजी निधि निज में बताई।